चलो, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना बताना, 1 मिनट। इंटर फाइल लेकिन शायद आंसर बुक में गलत है, मतलब हम श्योर नहीं है। कौन एन सा क्वेश्चन इक्वल टू ए नंबर दो, प्लस एन माइनस नहीं, ये तो फॉर्मूला है। सॉरी 1 मिनट। पेज नंबर एंड क्वेश्चन। रुको, एक एक करके एक एक करके। एक्सरसाइज 2 का वेरी शॉर्ट आंसर इसका 21। 21, फाइंड द एनथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यही वाला ना? यस सर। यस सर। तो सीक्वेंस क्या है? एम माइनस वन, एम माइनस थ्री, एम माइनस फाइव। ठीक है, सीक्वेंस ये क्यों नहीं बना भाई? सीक्वेंस तुम्हारा सर क्या बन था? गया है, m+2 n+3 आ रहा है, लेकिन बुक में आंसर m-2 n+1 दिया हुआ है। इसी का लिखना था, nth टर्म ना, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बताओ? टू एम माइनस प्लस थ्री टू सर माइनस एम प्लस माइनस टू सर माइनस टू आएगा कॉमन डिफरेंस। प्लस टू कौन बुक का बोलते हो? सही आंसर। नलायक लोग, प्लस टू बोल रहे हो। बुक का आंसर तो सही, मेरा गड़बड़ हो गया, सॉरी। कॉमन डिफरेंस में ये यस सर। सर हम वो क्या? नीचे मतलब लिख के सॉल्व कर रहे थे तो उसमें होता गड़बड़। अच्छा चलो, तो यहाँ से ए एन क्या हो जाएगा? ए हो गया एम माइनस वन प्लस एन एच टर्म लिखना है, तो एन के जगह पे एन ही रखना होगा। माइनस वन इंटू डी माइनस टू आ जाएगा यहाँ पे, तो एम माइनस वन माइनस टू एन प्लस टू, तो एम माइनस टू एन प्लस वन, यही आंसर होना चाहिए। है क्या आंसर ये? चलो यस सर यही है नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर। एट 13 एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे यार, इसमें बार बार खोलना पड़े। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? 8 17। नंबर 17, हाउ मेनी टर्म्स दे आर इन एपी? 205 को ए, तेरा गलत आ रहा होगा। 205 को ए एन एज्यूम करो ना, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है। ठीक है, सर, 1 मिनट सर, कुछ गलत हो रहा है। 205 को ए एन फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है बताओ तो? नहीं सॉरी सर, वो वेरी सर शॉर्ट का नहीं, 7 शॉर्ट का नंबर हम पूछ रहे थे सर, शॉर्ट का 17 पूछ रहे था। शॉर्ट का 17 पूछ रहे हो? इसमें बहुत लफड़ा है यार इस सिस्टम में, मैं नोटेशन का आ ही नहीं रहा है, आ जाता तो काम बन जाता। ठीक है, बताओ इसमें कौन सा क्वेश्चन, एक एक करके बोलो। अध्यापक क्वेश्चन है तुम्हारा, अध्यापक। नोप सर, नहीं है नहीं है, हो गया सारा। अच्छा अंशुल, कौन सा बोल रहे हो? इसका 17। शॉर्ट आंसर टाइप का, हाँ ये इन अ सर्टेन एपी, ये क्वेश्चन। सर, अच्छा चलो देखते हैं इसको। इन अ सर्टेन एपी 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। ठीक है, बहुत मेहनत करवा रहा है यार ये। 24th टर्म, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन है सामने किसी को तो बताना। 24th टर्म इज ट्वाइस ऑफ क्या दे रखा है? रुक जाओ, हम ही देख लेंगे। टेंथ टर्म, 24th टर्म टेंथ इज टर्म, ट्वाइस द 10th टर्म। ट्वाइस द 10th टर्म, यानी ए प्लस 23d इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस 9d, ऐसा लिख सकते हैं बताओ? यस और सर। उसके बाद इसमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में? प्रूव दैट प्रूव दी दैट 72nd टर्म इज ट्वाइस दी 34th टर्म। अच्छा, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा 2a+18d, और बाकी हिसाब किताब करो, इसको इधर शिफ्ट करेगा तो माइनस ए, और 18 माइनस 23d यानी -5d, तो a का वैल्यू कितना हो गया? 5d के बराबर हो गया। ठीक है, आगे क्या था इसमें? प्रूव दैट द 72nd टर्म इज ट्वाइस द 34th टर्म। तो 72nd टर्म को क्या लिखेगा अंशुल? ए प्लस 71d, हाँ सर, और a का वैल्यू 5d है, तो 5d प्लस 71d यानी 76d हो गया। a 72, क्लियर? यस 72 टर्म ए 76d हो गया, और तुमको 34th निकालो।
तो इसको क्या लिखेगा, a प्लस 33d, और a का वैल्यू कितना 5d प्लस 33d, ये कितना हो जाएगा 38d, ठीक है। और तुमको प्रूफ क्या करना था, a 72nd इज ट्वाइस द a 34, और a 72nd कितना आया था 76d, और ट्वाइस द 38d, तो 76d इक्वल टू 76d, क्लियर? हाँ सर। चलो और कोई क्वेश्चन तुम्हारा, 31 या 32 में से कोई एक बना दीजिए इसी का में से। 31 एंड 32 में से 31 क्वेश्चन बोल रहा है x, x plus 10 एंड 3x plus 2 आर इन एपी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये तीनों एपी में है, तो कंडीशन क्या होगा, a2 minus a1 equals to a3 minus a2, समझ में आया? अंशुल, तो 3x plus 2 minus a2 minus a1 है ना, तो a2 है x plus 10, जरूरी है सर, मतलब क्या? कुछ और सर, ये जो a2 minus a1 ही लिखा है, कुछ और कर सकते हैं इसके अलावा? नहीं, मतलब नहीं, अभी कुछ और भी नहीं, इतना इसी से बनाना होगा। तुमको एपी में दे रखा है ना, तो एपी में हो, जैसे ही तुमको कोई भी सीक्वेंस एपी में दे रखा है, उसका कहने का मतलब क्या होगा, a2 minus a1 equals to a3 minus a2 equals to a4 minus a3, ये चलता जाएगा, समझ रहा है? हाँ सर, तो बस उसी का यूज कर लेना। और x3 है तुम्हारा 3x plus 2, और a2 है x plus 10, तो ये हो जाएगा minus x minus 10, यहाँ से x और x कैंसिल, और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है? ठीक है सर, हो गया। चलो अंशुल का हो गया, ही मांगी तुम्हारा डाउट, मांगी हो गया सर, एक ही क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, प्रवीण सर 18 नंबर, 18 नंबर किसका, लॉन्ग आंसर का या शॉर्ट आंसर का? शॉर्ट आंसर का, यही वाला इसी का, तो जिसका हो चल रहा है, तो हो तो गया 18। अच्छा 18 में बोला है फाइंड द सेकंड टर्म एंड nth टर्म ऑफ द एपी हुज सिक्स्थ टर्म इज 12। सिक्स टर्म कितना दिया है, माइक बंद मत करो डाउट पूछने के बाद, सर 12 दिया हुआ। हाँ तो a plus 5d equals to 12 पहला इक्वेशन, yes, और तुम्हारा एट टर्म दे रखा है 22, तो a plus 7d equals to 22, इन दोनों को नहीं सॉल्व कर लेगा? कर लेंगे सर। तो सिंबल चेंज करना होगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2d, और ये कितना माइनस 10, तो डिफरेंस कितना आ गया 5 का, तो सेकेंड टर्म निकालना है, और पहले a तो निकाल लो, तो d 5 आ गया, तो a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a कितना, देखना कहीं कुछ हो रहा है क्या, a प्लस 5d इक्वल टू 12, और a प्लस 7d इक्वल टू 22, माइनस 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 2d, और तुम्हारा माइनस माइनस 10d 5, a का वैल्यू नेगेटिव में आया है क्या? हाँ सर, a माइनस 13 हो गया, और a माइनस 13 हो गया, तो तुमसे फिर इसमें क्या बोला है, सेकेंड टर्म निकालने, तो सेकेंड टर्म क्या लिखोगे, a प्लस डी, माइनस 13 प्लस 5 माइनस 1। आगे क्वेश्चन बोलो प्रवीण, और कोई 19 भी नहीं बना, 19 यस सर, हम ही से बनवाएगा जी। 19 में बोल रखा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म, ठीक है, इफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज 7 एंड 25, ए दे रखा है 7 और लास्ट टर्म ए 60 है ना, 60 टर्म है ना, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो a 60 कितना दे रखा है, 125 दिया है, यस सर, और a 60 को क्या लिखोगे, a प्लस 59d, और a का वैल्यू कितना 7 प्लस 59d इक्वल्स टू 125, तो यहां से d निकालो, यस सर, अब बन जाएगा।
डी कितना हो जाएगा यहाँ से, दो। और कोई क्वेश्चन प्रवीण सर? वेरी शॉर्ट आंसर का एट नंबर। वेरी शॉर्ट का एट। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मारेंगे ना दादा ऐसे क्वेश्चन, हम नहीं बताएंगे। तो प्लस माइनस टू गलत करेगा और मेरा दिमाग खराब करेगा। हाँ यहाँ से सर, ये शॉर्ट आंसर का एट नंबर बता दीजिए एक बार। अब शॉर्ट पे आ गया। फाइंड द एट टर्म फ्रॉम द एंड। एट टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या था? ए एल एल वाला माइनस एन माइनस वन इन टू डी। यस सर। लास्ट टर्म कितना हो गया? 120 84 माइनस एट टर्म फ्रॉम द एंड, तो एट माइनस वन। और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? तीन। इसको सॉल्व करने में क्या हो गया तेरा? चार में से एक गया, तीन आठ में जो 163। कितना आंसर दिया है? यही है। यही है ना। और कोई क्वेश्चन मिस्टर प्रवीण? सर वो प्रूव डेट वाला 33। अरे नालायक, बहुत मेहनत करवा रहा है तुम मेरे से। 33 यस, बट 34 भी सर, 35 भी। हे भगवान। और 36 किसका है? नहीं सर, वो 36 बन गया। 31 के बाद 33, 34, 35, 36 सारा जी। सर 36 कोई नहीं बोला, बन गया। अच्छा कोई नहीं बोला, साथ दे रही है तुम सबका। 33 क्या था? नहीं आवाज आ रहा है, कौन बोल रहा है? सर आपने कल शायद क्या? हेलो, नहीं आया तेरा आवाज, नहीं आया कुछ नहीं। सर आपने क्वेश्चन भेजा था, क्वेश्चन भेजा था। मेरा आवाज आ रहा है क्या ठीक से अध्या? हाँ सर। हाँ सर, डाउट हो जाता है कभी कभी कि मेरा ही आवाज खराब ना हो गया। चलो 33 देखो। एक मिनट रुकना। हाँ 33 देखो, इसमें दे रखा था 1/b+। ये क्यों नहीं बना जी? किसका किसका ये क्वेश्चन? किसका किसका है ये? एपी में दे रखा है। तो 1/c+a माइनस 1/b+c इक्वल्स टू 1/a+b माइनस 1/c+a। किसका था क्वेश्चन? प्रवीण तेरा है? यस सर। सानिधिया का भी है? नहीं मेरा नहीं है, मेरा 34 नंबर है। लड़ लो दोस्तों, इसका एलसीएम कितना होगा? यहाँ पे सी प्लस ए है, ठीक है? तो एलसीएम होगा सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ लिखोगे बी प्लस सी माइनस ए लिखेगा? यस सर। और यहाँ पे तुम्हारा ए प्लस बी और सर दोनों तरफ सी प्लस ए, तो उसको इधर नहीं ला सकते हैं? रुक जा मोहतरमा, जनाब मोहतरमा नहीं जनाब, यहाँ पे सी प्लस ए माइनस बी। देख क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ से सी और सी कैंसिल, ये ए है ना, ठीक है? और यहाँ से ए और ए कैंसिल। अब यहाँ पे सी प्लस ए है, तो सी प्लस ए और सी प्लस ए खुद में कैंसिल हो जाएगा। तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इक्वल्स टू सी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। सॉल्व कर लो इसको, थ्रो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए प्लस बी, अरे नालायक लड़का, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तुम? इसको ऐसे लिखो b प्लस ए एंड b माइनस ए, और यहाँ है c माइनस बी, तो इसको लिखो c प्लस बी एंड c माइनस बी। तो ये कितना हो गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और ये c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हो तो गया तो c स्क्वायर। इसको कर लोगे आगे? यस सर। बताओ और कौन सा क्वेश्चन? 34 भी है? हाँ सर। अब हार्ड क्वेश्चन हमसे ही पूछ लो सब।
बहुत मेहनत करवाता है जी तुम लोग। और भी इसके बाद क्या 35 भी है क्या? 35 स्मृति तुम्हारा है क्या क्वेश्चन? नहीं सर, हम गलती से हम 34 को 35 समझ लिए थे, 35 बन गया 34। अच्छा, और कोई क्वेश्चन इसके बाद? चलो रुक जाओ, प्रवीण तुम्हारा सारा डाउट हो गया। सर एक बार ये 41 बता दीजिए सर, ट्राई किए नहीं आया, मेरा आंसर 33 आया और आंसर 30 दिया हुआ है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? पहला डिजिट नंबर बताओ, टू डिजिट का जो 3 से डिविजिबल है। सर 3। जल्दी, अरे ना लाया क्वेश्चन पढ़ो। 2 डिजिट, हां 12 2 डिजिट 12। अगला 15, फिर 18 और कहां पे खत्म होगा? 99। तो एन लो 99, 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, करो इसको सॉल्व। यस सर बन जाएगा, हम 2 डिजिट नहीं 1 डिजिट ले लिए थे। हां 1 डिजिट में ले लिया और आखिरी टर्म 99 ले लिया फिर। यस सर। वाह 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 वाह। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन प्रवीण? नहीं सर मेरा हो गया। चलो ठीक है, प्रवीण के बाद लक्ष्य। लक्ष्य यस सर। कोई क्वेश्चन तेरा? नो सर। नहीं है। हाँ लक्ष्य, तुम्हारे तुम पूछ रहे ना ओलंपियाड का, पूछ रहे थे ना कब से शुरू होगा, तो सितंबर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। विद इन 10-15 डेज तुम लोग को सारा कैरिकुलम मिल जाएगा, हम लोग किस तरीके से क्लास अरेंज होगा, और तुम सबका सितंबर 1st वीक से प्रॉपर 11th का क्लास शुरू होगा। जैसे अभी जो भी चल रहा था वो तो ठीक है, बट प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। जैसे अभी एक क्लास होता था, तो थोड़ा तुम लोग उसके लिए तैयार रहना सितंबर से। क्योंकि हम तब तक ट्रिगो वगैरह पढ़ा देंगे ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। लक्ष्य को कोई क्वेश्चन नहीं है। रिधिमा रिधिमा मेरा तो कोई है ही नहीं सर। नहीं तो उसको फोन करके बोलो जल्दी से बोकारो आने, आवाज आवाज आता नहीं है उसका तो। अरे कोई डाउट है रिधिमा? सर नहीं होगा उसको डाउट, इतना कॉन्फिडेंट है तेरे को सर, क्योंकि वो कल अब वो फोन करके पूछ ली थी। अच्छा खौफ है मतलब होमवर्क बनाने का, चलो बहुत बढ़िया। सानिध्य सार्थक कौन सा क्वेश्चन? 34। हाँ सर। स्मृति तुम्हारा 34? यस सर। स्वयं तुम्हारा? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। डाउट है सर आपको? नहीं नहीं हम मतलब उसको उस क्रम में बोलना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है इस क्रम में। सब पता नहीं, मेरे पे भरोसा ही नहीं करता है कोई भी। देखो 34 कितने से बन गया, बाकी लोग से बन गया था 34? हाँ सर, 3 दिन का बर्बादी के बाद। अच्छा तुम नालायक, मेहनत करो फिर से। ये देखो 3 दिन मेहनत लगाई है इस क्वेश्चन पे। दिन क्योंकि हमको भी लग रहा है ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। लेंदी है क्या है ये सर? हम भी आधा घंटा दिया। नहीं वो 3 दिन दिए, तू आधा घंटा बस दिए, सोच ले डिफरेंस। तुम भी 3 दिन दो। हिमांगी बन गया था? सर हम बस 26 क्वेश्चंस बनाए, यहाँ तक नहीं पहुंचे थे। बात कर रही थी सर, बहुत सारा क्लास होता है और हर क्लास का अलग अलग होमवर्क होता है, तो यही तो अब सीखना है तुम लोगों को। और सर होमवर्क नहीं बनाएंगे तो ऐसे ही टीचर लोग को भरोसा नहीं रहता है, बना के आते हैं, सबको लगता है 5-6 क्वेश्चन बनाए होंगे। अच्छा कौन ऐसा सोच लेता है तेरे बारे में? चलिए कुछ क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बनाना शुरू करो उस चीज को। कहीं डाउट हुआ? सर आपका आवाज। टॉपिक में डाउट है तो पूछो। अरे बोलो हाँ या ना।
सर आप 34 नंबर तो बताए ही नहीं। 34 तो बताया भी नहीं कि। अरे यार ठीक है, इसको क्लास के एंड में करते हैं, ठीक है, नहीं तो टाइम अभी खराब हो जाएगा। अध्याय के बाद कौन है? हिमांगी, अंशुल बताओ, कुछ डाउट है क्या पूरे अब तक थ्योरी में? एपी के थ्योरी में अब तक कहीं? अच्छा एक अंशुल और क्वेश्चन है, ठीक है हम देख लेते हैं। अरे तुम डाउट ग्रुप में क्यों नहीं डालता है क्वेश्चन? सर हमको ऐसे जनरल टर्म निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जनरल टर्म निकालने में क्या दिक्कत है? जैसे फिफ्थ टर्म निकालते हैं तो एन की जगह फाइव रख, तो वो मेरी गलती है, माथा फोड़ ले इतना। तुम्हारे घर के पीछे तो इतना अच्छा तालाब है, हम तो बोल रखे हैं एक दो बार छलांग मारो। नदी अच्छा तालाब नहीं है, जो भी है सर उस छलांग मार के देखो। हाँ बोलो सर, उस क्वेश्चन का फॉर्मूला बताए थे? नहीं नहीं ऐसे ना भी हम नहीं बताए, हम तो मैसेज किए थे कि नहीं उसमें से एक 18 एडिंग वाला था। अच्छा 18 भी टिक करा दिए थे क्या? 18 भी? हाँ सर। अच्छा हम आपको वही क्वेश्चन भेजे थे। हाँ हाँ तुम वही भेजा था, हम होमवर्क देने के जुनून में वो 18 नंबर मार्क कर लिए, हमने चाह रहे थे जितना ज्यादा क्वेश्चन दे सके बनाने के लिए, तो उसी में लगता है चला गया, तो गलती हो गया। और कल रात में तो देखे अतुल सर भी फटाफट एकदम ये करो वो करो, हम बोले सही है सही जा रहे हैं सर लोग यहाँ पे, अब सारे बैच में होमवर्क मिलना शुरू हो गया, अब सब बैच में हम लोग नहीं भी तो 15-15, 20-20 क्वेश्चन देते ही है, तो तुम लोग को तो 30 क्वेश्चन तो जरूर बनता है हर दिन। चलो देखो मिडिल टर्म निकालने के लिए, अच्छा ये बताओ अगर ये सब कोई बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म एक एपी का तुम लोग काउंट कर लोगे ना? जैसे एक फाइनाइट एपी है, कहीं शुरू हुआ और कोई पार्टिकुलर टर्म पे जाके एंड हुआ, तो उस पूरे एपी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये सब कोई पता कर लेगा? यस सर। क्या करना होगा? तो जो लास्ट टर्म है उसको an एज्यूम करके बना जाना होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही तुमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया, जो टर्म्स निकल के आएगा आइदर ऑड आएगा या फिर इवन आएगा, ठीक है। आइदर ऑड आएगा, जैसे मान लो 99 टर्म है तो ऑड हो गए, 100 टर्म है तो उस एपी में कितने टर्म हो जाए, 100 टर्म है तो वो इवन हो गया, ठीक है। तो अब मिडिल टर्म निकालना है, तो तुम जैसे ही ऑड दिखा कि टोटल टर्म इसमें ऑड दिख रहा है, तो इफ एन इज ऑड तो मिडिल टर्म कितना निकल के आएगा, एक या दो? एन प्लस वन बाय टू बताओ टर्म। एन प्लस वन बाय टू टर्म, ये मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि तुम पांचवा टर्म मिडिल टर्म लिख देना, वो पांचवा टर्म का वैल्यू निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। तो अगर एन ऑड आता है, अगर एन ऑड आता है तो मिडिल टर्म क्या होगा? एन प्लस वन बाय टू टर्म। अगर एन इवेन आ जाता है तो मिडिल टर्म कितने होंगे? दो टर्म्स होंगे, एन बाय टू टर्म और फिर एन बाय टू प्लस वन, एन बाय टू एच टर्म एंड एन बाय टू प्लस वन एच टर्म। सबको आया समझ में? यस सर। नहीं आया किसी को तो पूछ लो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करो सर, एक सेकंड रुकिए ना, नोट करना है। अच्छा ठीक है, हम क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं। जैसे कोई भी एक सीक्वेंस ले लेते हैं ना, जैसे चलो 5, 10, 15, 20 और इसको हम खत्म कर दे रहे हैं 75 पे। 75 इस एपी का पार्ट होगा ना? हाँ होगा, तो हम 75 पे एंड कर दिया। बताओ इसका मिडिल टर्म क्या आएगा? मिडिल टर्म क्या आएगा निकालो सबको। एट सर 40 उसका वैल्यू, वैल्यू बताओ कितना? 40 यस सर, टर्म 8 आएगा। अच्छा 8 टर्म और उसका वैल्यू कितना? 40।
सबका यही आया है, किसी का डिफरेंस आया तो बताओ, किसी का इससे डिफरेंट आंसर आया है तो बताएगा, सबका आया यही? हाँ, अरे हाँ या ना बोल दो। अरे नालायक हो, बोलेगा कुछ? सर एट टर्म ही आया है। और 40? हाँ 40। चलो ठीक है, बोला करो, शांत होके बैठ जाता है। चलो इसका निकालो, एट, अच्छा एट टर्म ना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 15। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो आसान था है ना, 15 5 75। चलो बढ़िया, नेक्स्ट लिखो। अगर तुम्हारा एपी कुछ इस तरीके से है, 7 के टर्म में लिख दे, 7, चलो 6 का गैप डाल देते हैं, 7 6 13 6 19। कहाँ गया जी क्वेश्चन? हाँ, और एंड हो रहा है तुम्हारा 241 पे, कितने 241 पे, तो इसका सब कुछ बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी बताओ, फिर मिडिल टर्म का पोजीशन बताओ और उसका वैल्यू भी बताओ। 3 क्वेश्चन है इस पे, चलो बनाओ, 2 मिनट का टाइम, आंसर सब कोई देगा। 20th टर्म और 21st, 20 टर्म एंड 21st टर्म, ठीक है आंसर सही है। टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं बताया सर, 40 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 40 ठीक है। मिडिल टर्म हो जाएगा 20 एंड 21, वैल्यू बताओ उसका, 820 कितना और 821 कितना बताओ। सर 202 आ रहा है मेरा तो, 20 टर्म 202, नहीं सर हमें 40 निकाल दिए। सर एक बार ये बता दीजिए ना, मेरा नहीं ये वाला आंसर, इसका आंसर मेरा नहीं आ रहा मिडिल टर्म। सर n इक्वल टू 40 आ गया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 40 निकला। यस सर। अरे जिसका डाउट था फिर माइक बंद करेंगे हम, डाउट नहीं बताएंगे, देख लो। सॉरी सर, बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म 40 निकला। हाँ सर। तो मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा? इवन है तो 2 मिडिल टर्म, एक n by 2 और एक n by 2 plus 1 होगा। हाँ सर। तो मिडिल टर्म तुम्हारा 20 और 21st टर्म आएगा, तो 20 टर्म निकालो, a plus सर 102 और 107, ठीक है, a plus 19d, तो 19 कॉमन डिफरेंस छे, 19 से कितना होता है बताओ, 114 होता है, उसको यही नहीं पता होगा तो आंसर कहाँ से आएगा सही? सर किसको बोल रहे नहीं पता होगा, तो और किसको बोलेंगे? आप मेरे से पूछे, तो डाउट किसका था ये? सर आप उनको लगा आपको नाम लेना चाहिए ना कि आप 196 का कितना होता है वो किससे पूछ रहे हैं। अच्छा है ना सर, 820 का भी निकालें और 821 का भी। हाँ जी, तो 821 121 है तो 6 ऐड कर दो, 127। कहाँ दिक्कत हो रहा था इसमें स्मृति? कुछ नहीं सर, वो जो मिडिल टर्म है मेरा अजीब सा पता नहीं क्या आंसर आया है, वही नहीं आ रहा था जो आपका आया है। अरे तो n by 2, n कितना है इसमें? 40, तो n by 2 या n by 2th टर्म लिखते हैं हम लोग, n by 2th टर्म, तो n by 2th टर्म यानी 20th टर्म एंड 21st टर्म, ठीक है, ये डिफरेंस समझना है। ये टर्म का पोजीशन बताया कि जो 21 नंबर पे जो ये होगा ना वैल्यू होगा वो मिडिल टर्म होगा, जो 20 में पोजीशन पे होगा वो मिडिल टर्म होगा, ये बताता है, फिर उस मिडिल टर्म का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो,
हार्ड नहीं लग रहा है ना ये चैप्टर, आसानी है कि नहीं? यस सर। सर बढ़िया। हाँ बोलो सर, ऐसा हो सकता है कि हम लोग को मिडिल टर्म दे देगा और बोलेगा कि उस एपी में कितना टर्म है निकालो? ऐसा कैसे हो जाएगा? मिडिल टर्म दे देगा या मिडिल टर्म का वैल्यू दे देगा? वैल्यू, वैल्यू दे देगा। वैल्यू से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कुछ ना कुछ साथ में देगा, आइदर फर्स्ट टर्म देगा या कॉमन डिफरेंस देगा, हर कुछ देगा, सिर्फ एक चीज देने से कभी नहीं निकलेगा। ठीक है? अरे ठीक है, बोलती नहीं ये लोग डाउट पूछ के। हम बोल देते सर, ठीक है। कंसीडर द एपी, एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे बुक में 2-5, लिखो क्वेश्चन 8-11 अप टू 302। Show that twice of the middle term of the above AP is equal to the sum of its first and last term. बनाओ सर, बन गया। कुछ नहीं लिख रहा है क्या जी? नहीं मारेंगे ना इतना, क्वेश्चन लिखो तो फिर आगे नोट्स देखना होगा तो कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या था नहीं था। क्वेश्चन एटलीस्ट लिखा करो, हम तो बार बार बोलते क्वेश्चन ढंग से लिखो, बाकी सॉल्यूशन कैसे भी बनाओ, क्वेश्चन हमेशा लिखना चाहिए। काम करो तरीके से, समझे? जैसे जैसे नहीं। सर एक सवाल पूछे? हाँ पूछो। ये क्वेश्चन लिखने वाला चीज जो है, ये ज्योमेट्री में अप्लाई नहीं होता है क्या? ज्योमेट्री में हम क्वेश्चन नहीं लिखवाते थे? नहीं, हम क्वेश्चन लिखे थे तो मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। अरे अब वो जब बुक का क्वेश्चन है तो फिर क्यों बुक से लिखना, वहां पे ये मार्क कर लो ना, हाँ ये एक्सरसाइज का ये नंबर वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर टू। जब हम अलग से क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको तो लिखना है ना। एक क्वेश्चन होता है कि तुम्हारे पास पहले से अवेलेबल है और एक क्वेश्चन तुम्हारे पास हो गया, मैंने खुद से दिया, तो फिर इसको लिखना पड़ता है ना। बन गया क्या? यस सर। सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आया 101। हो गया सर मेरा, ठीक है। मिडिल टर्म आया 51st। हाँ मिडिल टर्म तो 51st ही होगा। वैल्यू इसका, उसका वैल्यू है 152। एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 300। इक्वल टू द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अच्छा अच्छा, सो दैट द ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म कितना है 2 और लास्ट टर्म 302। हाँ बन गया सबसे? नो सर। जिसे बन रहा है या नहीं बनेगा? बन रहा है सर। बनाओ सबसे। बन गया सर मिडिल टर्म 51 आ गया, अब उसका वैल्यू निकालना है। निकालो a प्लस 50d। चलो ये तो बन जाएगा, तुम लोग बना के रखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं।
आज सिर्फ इस पे क्वेश्चन चलेगा, कल या अगले क्लास में हम इसमें सम ऑफ एपी बता देंगे, मतलब सम ऑफ द ऐसा करके सम ऑफ द एपी पूरा जो दे रखा होता है। ये लिखो तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये 4, 5 लिखो। ये देखो 2017 में एक क्वेश्चन बोर्ड में आया था, विच टर्म ऑफ द एपी एपी 515। तुम लोग अगले साल भूल नहीं ना जाएगा ये चैप्टर? नहीं सर। सर भूल जाएंगे, मारेंगे ना, भूल जाएंगे। भूलने कैसे देंगे, तुमको लग रहा है कि हम भूलने देंगे? इधर सिलेबस खत्म हुआ तो इतना फुल सिलेबस टेस्ट लेंगे कि तू लोग बस रोते रह जाएगा, रिवीजन होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगले साल तुम्हारा क्लास 10 का क्लास नहीं चलेगा, अभी हम एक साल तुम लोग के ऊपर और सवार रहेंगे, एक साल तुम लोग को और झेलना होगा मुझे। इस साल तुम्हारा 10 खत्म हो जाएगा, अगले साल सिर्फ रिवीजन। तो बड़ा इसको this term of the AP will be 130 more than its 31st term. सर वो ऐसे जो डॉट डॉट दिए हैं क्या मतलब इनफिनाइट है? हो गया इनफिनाइट मतलब? इनफिनाइट हो गया। हाँ सर, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना? पता नहीं यार, तो इसका आंसर 44 होगा क्या? नहीं 44। हाँ ठीक है, 44 आंसर दिया हुआ है क्या मॉड्यूल में? सर नहीं मालूम, हम बनाए हैं सर इसका N44। सर जो डिफरेंस देता है हाँ, उसको सर हम D से डिवाइड कर देते हैं और बस जो टर्म दिया उसमें ऐड कर देते हैं, उस तरह से हो जाता है। हाँ तो उस तरह से ई नहीं ना मिलता है, ये चीज नहीं मिलता है बोर्ड में। 44 ठीक है, बोर्ड वाले ये चीज नहीं देखते हैं, बोर्ड वाले देखते को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, उसको सीधे एन में ऐड कर देंगे। अच्छा कहां से सीख लिया? बढ़िया, सबसे किसी को डाउट? इसका 44th टर्म होगा एपी का आंसर। जिसको डाउट है इस क्वेश्चन में पूछो। देख तेजी से क्वेश्चन करवा रहे हैं, किसी को लग रहा है डाउट है तो पूछते चलो, चुप मत बैठना। ब्रिलियंट है तुम लोग, ब्रिलियंट। नेक्स्ट लिखो, डाउट ही नहीं होता है किसी को। सर आप अच्छा पढ़ाते तो डाउट कहां से होगा? भाई साहब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो तो नेक्स्ट आएगा आएगा, डाउट आएगा, टेंशन ना लो। फॉर व्हाट वैल्यू, रिद्धिमा तुम्हारे चलते बहुतों का क्वाड्रिलेटरल रुका हुआ है, देख लो, और उसके कारण फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम भी रुका हुआ है। सर मेरा मिड पॉइंट थ्योरम ही नहीं हुआ है। तो वही तो बोल रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो रखी है, उसी से पूछ के बोलो उसको जल्दी इधर आने। सन्यासी बनने चली गई क्या जंगलों में कहीं? कहाँ भागी? सोनू सूद को बुलाना पड़ेगा सर। सोनू सूद क्या करेगा? घर लाने, घर लाने का। सर वो गांव गई है, वहाँ उसका कनेक्शन नहीं है। अच्छा आप क्या कर सकते हैं? जियो यूज करेगी तो यही होगा ना। अब तो कब से बोलते हैं एयरटेल यूज करेंगे। एयरटेल अच्छा। 1.7 ठीक है, वो कब आएगी बताइए कुछ, मेरे को तो 15 बोल रही थी। हाँ हमको बोली जब आएंगे तो कॉल कर देंगे। अच्छा आप उसका स्वागत करने स्टेशन जाएंगे क्या? चलिए क्वेश्चन बनाइए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन ए टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपी
सेम। अब देखो यहाँ पे डाउट होगा, बोलेगा सर आप खराब पढ़ाते हैं, है कि नहीं प्रवीण? नहीं बोलेंगे सर। चलो बनाओ। सर मेरा तो एन फ्रैक्शन में आ जा रहा है। फ्रैक्शन में आ जा रहा है तो बोल दो कि कोई ऐसा वैल्यू नहीं है एन का जहाँ पे दोनों सर मेरा भी सबका करना क्या समझ में आ गया ना, इसका एन निकाल लो और इसका कोई कैपिटल एन निकाल लो और दोनों को इक्वल कर देना था बस, है कि नहीं प्रवीण? समझ में नहीं आया ना? नहीं सर। तो लोग सर घटिया पढ़ाते हैं। सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं इसलिए डाउट हो गया। सर ये सही भूल गए। डाउट नहीं आ रहा चाहिए ना भाई। क्वेश्चन समझ में आया प्रवीण कि नहीं आया? यस सर आया। एन निकाल, एन दोनों का एन, फिर एन तू सॉल्यूशन बताने लग गया। हम बोले क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया वो बताओ। यस सर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन अब वो बताओ। सर क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू एपी सेम, मतलब कि एन का किस वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म सेम है। nth टर्म सेम मतलब इसका कोई एक टर्म होगा कहीं एन पे और इस पे कुछ, जैसे इसमें कहीं अगर हो सके कहीं 25 हो और मे बी इसमें कहीं 25 हो, क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है यही बताना है इस क्वेश्चन के लिए, है ना? यस। फिर देखो तो nth टर्म, लेकिन यहाँ पे किस टर्म के लिए बात किया? nth टर्म के लिए बात किया तो nth टर्म निकाल के देखो तो a प्लस एन माइनस वन और d कितना हो जाएगा 6, तो इसका an कितना आ गया 16 माइनस 5 और इसका nth टर्म निकालो तो a प्लस एन माइनस वन और d कितना है इसका माइनस वन, माइनस वन तो ये कितना दे देगा 70 माइनस n। अब ये दोनों इक्वल होगा कहीं तो देख लो, यही तो करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 16 उधर गया तो 7n और ये आ जाएगा 75, तो n इक्वल टू 75/7। क्या कोई ऐसा टर्म एग्जिस्ट करता है एपी में? बताए थे लास्ट क्लास में कि टर्म फ्रैक्शन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? किसी को डाउट? स्वयं स्मृति लक्ष्य इसमें डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है चलो बढ़िया। अब क्या करेगा तुम लोग? ये बनाओ तुम। If five times the fifth term of an AP, रिद्धिमा तुमको आ रहा है समझ में? एटलीस्ट रिप्लाई मैसेज का ये करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बस आया ना जवाब दो। ओके इज इक्वल टू 8 times 8 term so that
इट्स 13th टर्म इज जीरो, सो दैट इट्स 13th टर्म इज जीरो. If 5 terms of 5th term of an AP is equal to 8 times it, 8th term. चलो बनाओ इसको. बन जाएगा तो बस हो गया. चलो ठीक है. सर बन गया. बढ़िया. सबको ही बताओ भाई. हिमांगी बना. हिमांगी हो गई क्या जी? अंशुल सर वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस. प्रवीण सर ए फ्रैक्शन में आ रहा है 44d/3. सो दैट इज 13th टर्म इज जीरो. कहां से क्या क्या लेके आ गया है? क्वेश्चन क्या बोला है? 5 टाइम्स द 5th टर्म सर ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए प्लस 40 इक्वल टू 8 टाइम्स A plus, oh, हाँ ठीक तो है. यहाँ 8 times A plus 70. तो इसको सॉल्व करेगा 70. तो क्या आएगा? Yes, A और ये सब देखो देखो समझ गए तुम क्या कर रहे हैं. 5A plus 20D equals to 8A plus 56D. ठीक है तो भेजो इधर. हेलो हेलो. यस सर. आवाज इको कर रहा है क्या? नहीं सर. ठीक है तो 5A माइनस 8A तो ये माइनस 3A हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? प्लस ये भी माइनस 36D इक्वल टू जीरो. माइनस ए कॉमन माइनस थ्री कॉमन ले लो. ए प्लस 12D इक्वल टू जीरो. ए प्लस 12D कितना आ गया? प्रवीण ए प्लस 12D जीरो. मतलब 30 सम जीरो है तो हुआ कि नहीं? ए प्लस 12D इक्वल टू 13 था. यही तो प्रूफ करना था. समझा? Yes. सर आपका आवाज इको हो रहा है. हो रहा है ना सर? आपका आवाज इको हो रहा है ना? ओके. दूसरी बार आपका आवाज सौरभ सर जैसा लग. हाँ अच्छा रुको. जा रहा है क्या? अभी ठीक जा रहा है. यस सर. ओके तो ये हो गया ना ए प्लस 12D इक्वल टू जीरो. और ए प्लस 12D कहने का मतलब ये कौन सा टर्म हो गया? 13th टर्म हो गया. 13th टर्म. ठीक है समझ में आया? यस सर. सर हम और एक स्टेप बढ़ा दिए. तू क्या कर दी? सर हम ए 13 इक्वल टू माइनस 12D है ना? हाँ यही किए. और फिर ए 13 टर्म निकालने गई तो ए प्लस 12D और एक आ गया माइनस 12 वैल्यू. कोई नहीं बढ़िया है. होना चाहिए कभी कभी ऐसा. तभी तो सीखेगी. फिर तुम ही सब बना लेगी तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा है कि नहीं? चलो ये सब क्वेश्चन अब तुम लोग बेसिक क्वेश्चन ये सब आराम से बना सकता है. एक क्वेश्चन करो तो देखो. अब इस पे हो रहा है ना?
यस सर अभी फंसा था थोड़ा, कोई बात नहीं, इसका नाम यहाँ लिखा जाए, चलो इसका नाम लिख दे, ठीक है हम अपना ही लिखते हैं, बनाओ बनाओ इसको, अपने कॉपी में ये नाम हाईलाइट करके लिखना, जैसे तैसे मत लिखना, बोलते हैं ना उसको सुनहरे अक्षरों में लिखना, वो काम करो, स्वर्ण अक्षरों में, हाँ जो भी है, दूसरे का नाम क्यों लिखा जाए कि नहीं प्रवीण? यस सर। तो क्वेश्चन ये है, सेव्ड रुपीस 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हिज वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75 each week. In what week will his weekly saving be रुपीज 20.75? बनाओ, सेव्ड रुपीज 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75 इच वीक, इन व्हाट वीक विल हिज सेव वीकली सेविंग विल बी 20.75? बनाओ इसको, फर्स्ट वीक में 5, फिर सेकंड वीक में 20 कर, वो करेगा, मेंटल एबिलिटी लगाएगा, यहाँ पे मैथ लगा, मैथ मेंटल एबिलिटी बैठ के लगा रहा है, बनाओ, बना किसी का, किसी का तो एप्लीकेशन है, ये एपी का एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन ऑफ एपी, यही चीज नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है ना सर, आंसर क्या है तेरा, कितना आया? नहीं सर पहले आप बताइए, हम क्यों बताएंगे, मेरा सेविंग हमको नहीं पता, तुम हम मेरा सेविंग मुझे पता रहता तुम तुमसे पूछते हैं, आंसर बताओ सर, आप ही को नहीं पता है, 10 आंसर 2, हां 10th वीक आया था ये सर, 10th वीक आया है, यस सर, ठीक है सबका आ गया, आसान था, पहले वीक में 5 सेव किया, अगले वीक में इंक्रीज किया 1.75, यानी अगला वीक का सेविंग कितना 6.75, क्या सर ऐसा हो सकता था कि मतलब बताओ 6 महीना के बाद कितना सेव किया, मतलब हाफ मिडिल टर्म का, हाँ क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कोई दिक्कत नहीं, और आखिरी सेविंग इसका कितना हो गया 20.75, तो इसको एन एज्यूम कर लेना था, और ए प्लस एन निकालना था, एन माइनस वन इंटू डी कितना हो गया 1.75 का, बन गया था सबसे, बन गया था, कोई ऐसा है जिसको डाउट हुआ,
नहीं हुआ तो अब थोड़ा लेवल टू पे पहुंचते हैं इस चैप्टर के। हम पहले क्लास में या जब भी एपी जब हम पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला था कि एक सीक्वेंस या एपी पता करने के लिए क्या क्या चीज का नीड होता है, किस चीज का होता है नीड बताओ, क्या क्या चीज चाहिए जल्दी बोलो कोई। सर कॉमन डिस्टेंस A1, ए और डी का होना ये नेसेसरी है, तभी हम तुमको एपी लिख सकते हो। तो जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए सबके लिए, 9th नंबर, इफ द पीएच टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q एंड ये सब सीखना जरूरी है, लेवल टू मार्क कर लो। एंड nth term is 1/p, 1/qth term is 1/p, then show that its mnth term इस वन। चलिए बनाइए सर mnth टर्म या फिर हम क्या क्या लिख दे रहे हैं, हमको ये क्वेश्चन है p और q के फॉर्म में याद है और फिर हम यहाँ पे mnth कर देंगे pqth टर्म। ये CBSE 2017 में पूछा गया था 4 नंबर के क्वेश्चन में। सब लोग सेपरेट कॉपी बना रहा है या एक ही में महाभारत रामायण सब मिक्स करके लिख रहा है? सर महाभारत रामायण एक में और रामायण एक में। क्या बोलना चाहा तुम, नहीं समझ में आया? मतलब सर अलग कॉपी तो बोलो, रामायण महाभारत अलग अलग चल रहा है। सर मेरा एक ही में है। सेपरेट करो जी, टेंथ अब शुरू हो गया, अलग करो कॉपी। सर मेरा सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग सब एक कॉपी में। अच्छा तो हम उसमें फिर अलग करो कॉपी, अलग करो 9 अलग करो 10 अलग करो, क्या कर रहा है, 11 भी अलग करो, 3 कॉपी लो। कॉपी खरीदने में क्या सोचता है इतना ज्यादा। अभी एक चैप्टर हुआ, नहीं तो फिर आगे बहुत सारा हो जाएगा, तो फिर बैठ के फेयर करते रहना। तो अभी से सर आ तो गया 1। हाँ आ गया ना, लेकिन सर लग रहा है जबरन का आ गया है। ए क्या आया, फर्स्ट टर्म क्या आया? जब PQH टर्म निकालना है तो तुमको जब तक ए और डी पता नहीं रहेगा तो PQH टर्म निकल जाएगा क्या? सर D1/PQ है। D1/PQ और AB1/PQ दोनों यही आना चाहिए। देखो इससे एक चीज हम समझाने का कोशिश कर रहे तुमसे, ठीक है? अभी जो क्वेश्चन अब तक बनाते नहीं आया था तो 15 टर्म दिया हुआ रहता था, 28 टर्म दिया रहता था, 75 ऐसा करके, सिमिलरली वही क्वेश्चन है। बट यहाँ पे टर्म्स, ये क्वेश्चन तुम्हारा वेरिएबल्स में दे रखा है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म में नहीं दिया है, तो करना कुछ नहीं है, जो काम अब तक करते आए, दो इक्वेशन निकालते थे दोनों को सॉल्व करते थे, सिमिलरली यहाँ पे वही काम करना है। तो जैसे पीएच टर्म दे रखा है 1/q, तो कौन बताएगा? अंशुल बताओ पहला इक्वेशन क्या बनेगा, पीएच टर्म 1/q तो पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे अंशुल? हाँ सर अभी आपका आवाज आया हमको। पीएच टर्म 1/q है तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, पीएच टर्म 1/q। हाँ तो 1/q is equal to, हाँ बोलो, नहीं पता, अरे नलायक। अच्छा 8th term रहता है 7, तो क्या लिखता सर? 1/q equals to a plus b minus 1। रुको स्वयं रुको, 8th term अगर 7 होता किसी भी AP का तो क्या लिखता?
एट टर्म सेवन होता। हाँ मतलब एट टर्म का वैल्यू सेवन है, तो क्या लिखता है इसको इक्वेशन के फॉर्म में? ए एट इज इक्वल टू ए वन प्लस सेवन डी। ए वन प्लस सेवन डी यानी सेवन इक्वल टू ए प्लस सेवन डी, यही लिखता है ना? हाँ लिखता। अब यहाँ पे कौन सा टर्म के बारे में बात किया हम उस दिन बताए थे, याद होगा तुमको, एन के जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में क टर्म बोला है, ये नहीं बताए थे, एक्स एच टर्म बोला है, पी एच टर्म बोला है, तो एन को किससे रिप्लेस करेंगे? अगर एन का केस इसको क्या बोलेंगे जी, तो क से रिप्लेस करेंगे। एन एक्स बोला है तो एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ कौन सा टर्म बोला है बताओ? पी एच टर्म बोला है, तो एन किससे रिप्लेस होगा? पी से, तो एपी लिखोगे ना? हाँ ऐसे। और इसमें पहले एज्यूम कर लेना, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी, ठीक है? तो एपी इक्वल्स टू ए प्लस, एन के जगह क्या लिख देगा आप? पी माइनस वन इन टू डी। और पी एच टर्म का वैल्यू कितना दे रखा है? वन बाई क्यू। वन बाई क्यू इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस वन इन टू डी। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, समझा कुछ? हाँ सर। ठीक है, दूसरा बोला क्यू एक्स टर्म इज वन बाई पी, यानी ए क्यू इक्वल टू वन बाई पी। ए क्यू को क्या लिखेंगे? ए प्लस क्यू माइनस वन इन टू डी इक्वल टू वन बाई पी। इसको इक्वेशन टू कर लेंगे। हम अभी एम एन एच टर्म लिख रहे थे, तो हम एम एन एच टर्म क्या, एम एन एच एम और एन के फॉर्म में क्वेश्चन होता तो क्या लिखते इक्वेशन? तो ए एम इक्वल टू वन बाई एन बोले थे, तो ए प्लस एम माइनस वन इन टू डी इक्वल टू वन बाई एन। याद है अभी हम बोले थे ना एम एन एच के टर्म में, और एन एच टर्म वन बाई एम रहता, तो ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इक्वल टू वन बाई एन वन बाई एम। तो तुमको किसी भी टर्म की बात करें, जनरल टर्म का मतलब ही वही है, एन ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी जनरल टर्म को। तो पी एच टर्म हो, क्यू एच टर्म हो, आर एच टर्म हो, कुछ भी हो, उसको हम एन से रिप्लेस कर देंगे। अगर एन एच टर्म ही है तो एन के जगह पे एन ही रखेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ सर। अब क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से a और d का वैल्यू निकल आएगा, तो a प्लस डी पी माइनस डी इक्वल टू वन बाई क्यू, एंड a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू वन बाई पी। अब इन दोनों को सॉल्व करो, a और a डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, होगा माइनस कर लेना यहाँ पे, यहाँ पे तुम माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ भी माइनस, यहाँ से डी और डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या भेजेगा, डी कॉमन ले लेगा तो पी माइनस क्यू, और यहाँ से वन बाई क्यू माइनस वन बाई पी। अभी क्वेश्चन कराएंगे अगले क्लास में, इस पे और भी क्वेश्चन करा देंगे। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे क्यू पी एल सी एम हो जाएगा, पी माइनस क्यू, और तुम्हारा ऊपर भी पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू कैंसिल, तो डी हो जाएगा वन बाई क्यू पी। अंशुल? हाँ सर। अब डी का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके ए निकाल लेना, और ए भी तुम्हारा इसका वन बाई क्यू पी ही आएगा, ठीक है? अब ए पता चल गया, डी पता चल गया, बोला है एम ए एम एन एच टर्म निकालो, तो ए कितना था, वन बाई पी क्यू सर, ए पी क्यू एथ टर्म। पी क्यू एथ टर्म, तो ए कितना था, मतलब ए पी क्यू एस टर्म बोला, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस पी क्यू माइनस वन इन टू डी लिखेंगे आंसर। हाँ सर। ए का वैल्यू कितना आया, वन बाई क्यू पी प्लस पी क्यू माइनस वन, और डी का भी वैल्यू वन बाय पी क्यू। अब इसको सॉल्व कर लेना, पी क्यू और ये मल्टीप्लाई होगा तो वन, और माइनस वन बाय पी क्यू, ये और ये कैंसिल, पी क्यू एच टर्म कितना, वन। हम इस पे और भी क्वेश्चन कराएंगे अगले क्लास में, तो उसके लिए निश्चिंत रहो, ये सारे क्वेश्चन पे ही तुमको प्रैक्टिस करना है सबको। सर हाँ बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 34, ओ माय गॉड, 34 बताना ही पड़ेगा। यस सर। टाइम हो गया क्या सर? 5 मिनट सर, 5 मिनट है। ठीक है, एक मिनट रुको, गुम कर गया क्वेश्चन। लक्ष्य बना था ये क्वेश्चन, लक्ष्य है कि नहीं है?
चला गया जी। हिमांगी तुम तो ट्राई नहीं की इसको? स्वयं नहीं बना था सर, मेरा मजबूरी थोड़ा सा तो समझिए। ठीक है चलो। स्वयं तुम क्या कर रहा था जी? सर मैं यहाँ तक ट्राई नहीं किया लेकिन ये बन गया है, मैं भी बना रहा हूँ सीट को। चलो बनाओ बनाओ, दो मिनट दे रहे हैं और बना के देखो। अरे करना क्या है इसमें, तुम वही लगाओ ना। हाँ ट्रू को मिल गया। अच्छा इतना बड़ा कैलकुलेशन देख लिया तो सर आप ही बता दीजिए, बुरे लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में। ट्राई करो एक बार। अच्छा वो पीडीएफ खोल लेते हैं करके। ठीक है थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कोई दिक्कत नहीं ना जी, किसी को खाने पीने का टाइम नहीं है ना इस टाइम? नो सर, हम एकदम रूटीन के पक्के हैं सर, इसी टाइम खाना खाना है। सर मेरे को भूख लगा है। हाँ लग ही रहा था ऐसा तो जवाब आएगा, तो आधा घंटा और पढ़ाएंगे आज हम, देख लो। ठीक सर पढ़ाइए, बाय बाय। बाय बाय, जाओ खाओ, बनाओ बनाओ ट्राई करो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन में दिमाग लगाना होगा यहाँ पे तुम लोग को। तुम लोग को अरिथमेटिक मीन नहीं ना पढ़ाए इसमें अभी तक? नहीं सर, अभी तक प्रोग्रेशन नहीं चल रहा है सर, और उसका ही यूज है इसमें। हाँ अभी हमको अचानक बन गया सर, क्योंकि सर ये जब बनाए थे ना कैलकुलेट किए थे तो a इक्वल टू b रिजल्ट आ रहा था, और क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है कि a इज नॉट इक्वल टू b, तो फिर अरिथमेटिक मीन से कंपेयर करके n का वैल्यू 1 आया था। हाँ ठीक है तो अगले क्लास में याद दिला देना, तो हम मुझे एकदम, अरे तुम लोग को भी नहीं पढ़ाए तो जो क्लास 10 में हम पढ़ाए उन लोग भी अरिथमेटिक मीनिंग छोड़ दिए। ठीक है कोई नहीं, अरिथमेटिक मीनिंग एक बार अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले कुछ परमाणु बम तुम लोग पे गिराया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बम गिरेगा आज, क्या क्या गिरा दे, 37 करके आइयो, माफ करते चल 37 46 दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे क्या? मार्क कर रहे, येलो करते जा रहे हैं उसको। सर दिख रहा है सर, मत दीजिए ना इतना। अरे ऐसे कैसे नहीं दे, हमको यहाँ पे हर दिन रिपोर्ट देना होता है। दोनों भरोसा नहीं है, तुम दिखाते एक नंबर, पहले क्वेश्चन मत करो। चलो आज तुम लोगों को सब दिख चीज बता ही देते हैं। सर वो तो दिए आप 41 42। ओके वो डिलीट कर दिए तो बन गया 43 44 45। अच्छा अच्छा ठीक है देख लेते उसको, 40 हो गया था ना, 40 दे दिए थे। हाउ मेनी टर्म्स आर इन देयर इन एफपी, तो इधर तो हो गया ये सारा। अच्छा इस तरीके का भी क्वेश्चन नहीं करवाए ना 38 और 39। ठीक है अगले क्लास में डिस्कस, ठीक है अगले क्लास में उसको बता देंगे। बाकी इधर तो सम सम सम, यहाँ भी सम है, ये भी सम है, सम का ही क्वेश्चन है। द सम ऑफ ये भी अभी सम ही है, फाइंड द 3 टर्म्स, ये भी नहीं अभी हुआ है। इधर का तो हम दे दिए थे जो करवाना था। बस 5 क्वेश्चन ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ
ये करके आना नहीं है सर, प्लीज सर, बाकी सब्जेक्ट में भी मिलता है ना। अच्छी बात है, रहने दीजिए सर। नहीं तो ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा है। सर आज जन्माष्टमी है, आज ऐसे कोचिंग होता तो हम लोग छुट्टी मांगते, लेकिन सर आप क्लास कर रहे तो सर कम से कम क्वेश्चन तो कम दीजिए। इसमें ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ गया है? टेन छोड़ देना, मत बनाना भी। चलो दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन। हाँ बोलो सर, मेरा बात सुने थे जब बोले थे? नहीं नहीं यार, कॉल आ गया था तो म्यूट हो गया। बोलो फिर से। हाँ सर सुनिए सर, जन्माष्टमी है सर, कम होमवर्क दीजिए प्लीज। अच्छा, हम आज जन्माष्टमी के दिन हमको कृष्ण जी आए थे सपने में, बोले थे होमवर्क दिया करो, तुम ढंग से नहीं पढ़ा रहे हो, तो हम उनकी बात नहीं टाल सकते। सर आज छुट्टी होता सर। अरे तो अब हम, मेरे सपने में कृष्ण भगवान आए तो वही बोल के गए, अब हम उनकी बात को कैसे टालेंगे, तुम ही बताओ, वो बुरा मान जाएंगे तो? सर आप इतना झूठ बोलते हैं। अरे झूठियों का कहानी पढ़े हैं? किसका कहानी? अरे झूठ नहीं, पिनोकियो एक बच्चा था जो बहुत, वो जब भी झूठ बोलता था ना उसका नाक जो था वो लंबा हो जाता था। मेरे साथ नहीं ना हो रहा है क्योंकि हम सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। चलो होमवर्क नहीं दिख रहा है। एक और झूठ, एक अगले क्लास में ये पांच क्वेश्चन एटलीस्ट करके आना, बस इतना ही है। और जो अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसमें कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट होता होगा किसी को तो आराम से पूछते चलना, ठीक है सर? क्या सर? हाँ बोलो सर। फिजिक्स मॉड्यूल मिला है क्या, वर्क एनर्जी का? नहीं 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 यार, हम मेरे पास नहीं है। नहीं मॉड्यूल, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। पीडीएफ मॉड्यूल बोल रहे हैं सर, पीडीएफ के फॉर्म में। पीडीएफ 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 भेज दिया। हाँ लक्ष्य बोलो, क्या बोल रहे थे सर? ऐसे टाइप का क्वेश्चन कैसे बना था जिसमें इक्वालिटी के दोनों साइड पे मॉड्यूलस साइन लगा रहा था? वो क्लास नहीं कर रहे थे वो वाला, जब से रिलेक्वेशन पढ़ा रहे थे तो किए थे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनवाए थे। यस सर, उस क्लास में दोनों तरफ मॉड्यूलस का साइन हो वो वाला नहीं कराए थे सर, और वो असाइनमेंट में क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो अभी हम इनइक्वालिटी ये करेंगे ना डिस्कस उस दिन, तो उसमें हम बता देते तुम लोग को, तो सारा क्वेश्चन उससे जो भी आता है इनइक्वालिटी से वो सब कुछ हम सिखाते चले जाएंगे इसीलिए। सर और सर हम टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजेंगे। हाँ वो भेज दूंगा मैं, अभी सॉल्व करके वो भेज दूंगा। अभी दूसरा क्लास का टाइम हो गया 6:45, तो अभी हम उसको टाइम नहीं देंगे, ठीक है? हम बना के भेज देंगे, ठीक है लक्ष्य? यस सर। हाँ हम तुरंत अभी क्लास के बाद उसको बना करके भेज देंगे। बाकी होमवर्क करके आओगे तुम लोग, भरोसा रखे? नो सर। यस सर। नो सर, करके आना सर। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना, इसलिए होमवर्क करके आएंगे। चलो ठीक है, बाकी अभी तुम लोग को मौका लगा है थोड़ा पढ़ाई का, पढ़ाई पे ज्यादा जोर करो। हम देखो अभी बार बार हम इतने दिन से इसलिए बोल रहे हैं ना तुम लोग को, पढ़ो 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 ऐसा करके, क्योंकि जैसे अभी हम यहाँ पे घर पे ही तो क्लासेस